कुछ भाजपाई ये साबित करते नहीं थक रहे कि 300 मारे गए या 500 मारे गए। उसी में कुछ और आगे निकलकर लाशों को भी दिखा करके अपने लीडर की बातों को साबित करने में लगे हुए हैं। पर हमेशा की तरह ये सब सिर्फ अफवाह ही फैला रहे हैं, ये सब फेक न्यूज है। आगे इस वीडियो में कुछ प्रूफ करने से पहले, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, और हां पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं तो ये भाजपाई और इनके अंधभक्त मुझे पाकिस्तानी और देशद्रोही बोलने में टाइम नहीं लगाएंगे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीरों का सेट इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि यह पाकिस्तान में हुए हवाई हमलों का असर है और यह उसका प्रूफ है। इन तस्वीरों में सामूहिक कब्रें और कफन में लिपटी लाशें दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, हमने इस तस्वीर की पड़ताल की तो हमने पाया कि ये 2015 की तस्वीर है जो कि लूट के शिकार हुए लावारिस लोग हैं। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए आप, ये तस्वीर भी 2015 में आए पाकिस्तान में लू के शिकार लोगों की है। अब इस इमेज को देखिए, ये 2016 की तस्वीर है। अब आप बताइए कि 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया तो ये तस्वीर 2016 में ही कैसे मिल गई। बालाकोट हवाई हमले के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने वोटरों को लुभाने के लिए ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोस्तों, समझे या नहीं, अंधभक्ति से बचो। कुछ भी बोलने या शेयर करने से पहले उस न्यूज की पुष्टि जरूर कर लें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां दोस्तों, याद रहे, काम नहीं करना में बोलते हैं।